तो दोस्तों भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी अभी काफी अच्छी और काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल अब यहाँ पर एक सीनियर ऑफिशियल ने इस ट्रेन के रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल अभी अपकमिंग वंदे भारत एक्सप्रेस पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी अमेनिटीज होंगी सभी को हम एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम सभी चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो सीटिंग हो, सिक्योरिटी हो या फिर सर्विलियंस सिस्टम ही क्यों ना हो। सीनियर ऑफिशियल ने तो यहाँ तक दावा कर डाला है कि ये मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन कमर्शियल टेस्टिंग ये सब होने के बाद फाइनली ये जून 2022 को उतार दी जाएगी। इसके अलावा और भी काफी सारे एमिनिटीज के बारे में उन्होंने बताया, जैसे कि यहाँ पर 4 इमरजेंसी विंडोज अभी फिलहाल प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर डिजास्टर्स लाइट भी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर कोई आपातकालीन जैसी स्थिति आ जाती है, लाइट्स काम करना बंद कर देती है ड्यूरिंग एनी डिजास्टर्स सिचुएशन, तो यहाँ पर ये डिजास्टर्स लाइट काम में आएंगी। इसी तरह फिर इमरजेंसी पुश बटन्स की संख्याएं भी बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर वेंटिलेशन पर भी अब काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। मान लीजिए अगर पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाता है तो यहाँ पर एटलीस्ट 3 घंटे के लिए वेंटिलेशन आराम से प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा सीटिंग की बात करें तो अभी फिलहाल जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इनकी एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटिंग तो काफी अच्छी है, बट जो इकोनॉमी क्लास की सीटिंग है चेयर कार वो बिल्कुल भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इस बात को भी अब यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर मोर रिलायबिलिटी के लिए अब बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और अपने आप में ही ये काफी अच्छी और काफी बड़ी बात है। इन सब के अलावा अब यहाँ पर इंडिया के एक्सट्रीम वेदर को ध्यान रखते हुए, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि भारत में मानसून काफी बार बेहद ही आक्रामक हो जाता है, ऐसे समय में यहाँ पर हायर फ्लड प्रोटेक्शन ऑफ अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स फिट किए जाएंगे ताकि मानसून के समय में भी यहाँ पर रिलायबिलिटी को पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। वैसे तो जब वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पहले कहा जाता था तो यहाँ पर तो टारगेट रखा गया था कि हमारे 75th इंडिपेंडेंस के डे पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस के चलते, कुछ इनएफिशिएंसीज के चलते ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। बट फिर पिछले महीने जुलाई में यहाँ पर कहा गया था कि 10 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस को लाया जाएगा जो कि भारत की 40 सिटीज को कनेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस तरह के तमाम अपग्रेडेड फीचर्स के साथ अब हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस भी यूरोपियन ट्रेन्स को टक्कर देने के लिए तैयार हो रही है और 1 साल में ये लॉन्च कर दी जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।